एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ को जलाना चाहते हैं, ये कहा है बैज ने, मणिपुर और हरियाणा की तरह जलाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार में दो राज्य जल रहे हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ में झूठ का सहारा लेकर सरकार लाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करना चाहते हैं। मोदी सत्ता तो छत्तीसगढ़ को बदनाम करना चाहते हैं, ये बयान दिया दीपक बैज ने। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज बड़ा बयान दिया, बड़ा वार किया भारतीय जनता पार्टी पर। एक समय में 300 घर चले, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर जैसा जलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ को हरियाणा जैसा जलाना चाहते हैं। 100 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर जल रहा है, किसकी सरकार है वहां? डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा जल रहा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किलो बस्तर को जलता हुआ छोड़ दिए थे, एक समय में 300 घर चले, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर जैसा जलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ को हरियाणा जैसा जलाना चाहते हैं। 100 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर जल रहा है, किसकी सरकार है वहां? डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा जल रहा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बड़े बयान दिए हैं पीसीसी चीफ ने बिलासपुर में। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर इस वक्त प्रतिक्रिया के लिए दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ लोग जुड़ चुके हैं, दोनों जनप्रतिनिधि हैं। संतोष पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता और सांसद महोदय, और गुलाब कमरो साहब कांग्रेस पार्टी के विधायक। आप दोनों का स्वागत है आईबीस 24 पर। शुरुआत में करता हूं संतोष पांडे जी से। संतोष पांडे जी, पीसीसी चीफ का बड़ा बयान है बीजेपी पर कि बीजेपी राज्यों को जलाती है, उनके बयान छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगे। ये मैं आईबीसी में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये पीसीसी चीफ दीपक बैज जी को, और दीपक बैज जी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी कांग्रेसियों को अभी भी पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। और वो पाप क्या है तो आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से चलते हुए टायर सिखों के गले में डाल दिए, घरों को जलाया गया, और सिर्फ दिल्ली के अंदर 3,733 सिख मारे गए, 3,325 पूरे हिंदुस्तान में मरे, सज्जन कुमार सिंह को लंबे समय बाद सजा हुई, टाइटलर सज्जन कुमार सिंह और बलवान खोखर भागमल गिरधारी लाल, ऐसे अनेक अपराधी जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नेता थे, क्या जवाब देंगे पीसीसी चीफ? है हिम्मत? कांग्रेस का ये जो घटिया पॉलिटिक्स है ये इनके फितरत में है, ये इस प्रकार का घटिया काम, आग में तेल डालने का काम ये कांग्रेस करती है? 1984 दंगा भूल गई क्या? राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के आइडियाज फॉर आइडिया के प्रोग्राम में कहते हैं कि देश में केरोसिन बिखर चुका है, बस चिंगारी की जरूरत है। यह आग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। चलिए आपकी बात का उत्तर लेता हूं। गुलाब कमरू साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। पीसीसी चीफ के बयान पर हमने संतोष पांडे जी सवाल पूछा, आपने सुना होगा उनका उत्तर, क्या प्रतिक्रिया अब आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य है हमारा, जहां पर शांति चैन अमन था, लेकिन जिस तरह से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार आप देखेंगे ये सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे। अभी पांडे जी की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था, गांधी जी की हत्या किसने कराया है, ये ऐसे लोगों को मानने वाले हैं? इसलिए पांडे जी, मैं आपको माध्यम से कहना चाहूंगा, थोड़ा देखिए देश के लिए,
मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, कितना दिन हो गया मणिपुर में ये जो घटना घट रही है, कभी उस पर आपके प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी दी, कोई कार्रवाई हुआ? और उसी तरह से आप दो राज्य में किस तरह से चल रही है, और आपके लोगों को, आपके नेताओं को कभी भी फुर्सत नहीं है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में शांति चमन रहे, लेकिन आप लगातार देश के हैं इनके प्रधानमंत्री जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में आके झूठ बोलते हैं कि किसानों का 80% पैसा हम दे रहे हैं। मैंने भाजपा यानी झूठ बोलो, लगातार जाति और धर्म पे, नाम पे लड़ाने वाली पार्टी हो गई है। ये उत्तर क्या दे रहे हैं आप, उत्तर क्या दे रहे हैं माननीय विधायक महोदय? आपको मालूम है कि मैं सही उत्तर दे रहा हूँ? जो हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, जहाँ बस्तर और सरगुजा में आदिवासी लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, और लेकिन जब जिस तरह से यहाँ पर शांति था, दो राज्यों का जिक्र किया गया था संतोष पांडे साहब, दो राज्य बताए हैं, एक हरियाणा और दूसरा मणिपुर, इसी पर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कुछ कहेंगे, उत्तर देना चाहेंगे? विधायक जी को ये भी मालूम नहीं कि जब इनके लीडर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है पांडे जी, मुझे आपके जिस स्कूल में आपके प्रधानमंत्री जी पढ़े हैं, सरकार ने एक एक करके, गुलाब कमरो साहब उनको कह लेने दे, फिर अपनी बात कहें, आप लोग फोन पर हैं। जी संतोष पांडे जी, आदरणीय कमरो जी, आपके जो युवराज है ना, जो कैम्ब्रिज घूम के आए, अमेरिका लंदन घूम के आए, वो मणिपुर जाने के लिए निकल गए थे, और उनके लिए हेलीकॉप्टर की चूल्हा चांदपुर से व्यवस्था की गई थी, तो उन्होंने नौटंकी किया। क्यों नौटंकी किया? कि देश के सामने पूरी टीवी मीडिया होगी, और एक दिन पहले ही धरने में बैठ गए और पूरे देश में उसको दिखाया गया। कुल मिलाकर के उनको समस्या से मतलब नहीं है, उनको हाईलाइट कैसे होना। ठीक है गुलाब कमरो जी, अब जल्दी से अपना उत्तर दे दें इस पे। उसमें आग में घी कैसे डालना, मिट्टी तेल कैसे डालना, अरे 84 के बंदे को उत्तर दे दीजिए आप। देश में जो भारत देश जो हमारा शांति अमन चैन था, उसको लगातार जाति और धर्म के नाम से लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। चलिए तो कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष जनता ने सुन लिया, बीजेपी का भी पक्ष सुन लिया, आप दोनों को बहुत धन्यवाद कि आपने अपना पक्ष रखा। कौन केरोसिन डाल रहा है, कौन आग लगा रहा है, जनता को तय करना है, जनता अपना उत्तर देगी, जरूर देगी। बहुत धन्यवाद।